दोस्तों आज का इस नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से आप अपना स्मार्ट मीटर में किस तरह से आप अपना मोबाइल से आप रिचार्ज कर सकते हैं आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे किस तरह से अपना स्मार्ट मीटर में जो अभी बिजली का मीटर नया नया लग रहा है सभी के घर में तो उस मीटर में आप किस तरह से अपना रिचार्ज कर सकते हैं अपना मोबाइल से किस तरह से आप कर सकते हैं आज इस वीडियो में समझेंगे तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी आपको पूरा जानकारी आपको समझ में आएगा किस तरह से तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है कहीं पर भी आपको गलत हो जाएगा तो उसे में रिचार्ज फंस भी सकता है तो पूरा वीडियो को आप लास्ट तक देखना है तो चलिए हम चलते हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर हम आपको से बताते हैं किस तरह से आप रिचार्ज कर सकते हैं दोस्तों अपने मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद पहले अपना प्ले स्टोर से आपको एक ऐप आप को डाउनलोड करना है जिस ऐप का नाम है सुविधा ऐप सुविधा सुविधा नाम है इस ऐप का तो गूगल में आपको टाइप आ, प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है सुविधा जैसे आप टाइप करते हैं अपना सुविधा ऐप तो यहाँ से इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपना मोबाइल में इसी ऐप को इंस्टॉल कर लेना कर हम इंस्टॉल पहले से करके रखे हैं चलिए हम ओपन कर लेते हैं इसे इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे चलिए हम ओपन कर लेते हैं ओपन करने बाद देख सकते हैं आपको इस तरह से खुलेगा उसके बाद अपना स्मार्ट मीटर में रिचार्ज करना है तो किस तरह से करना है तो स्मार्ट मीटर में रिचार्ज करने के लिए यहाँ से मिलता है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मिलता है स्मार्ट मीटर सर्विस यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट मीटर सर्विस का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ से आपको क्लिक करना है तो जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं स्मार्ट मीटर सर्विस पर तो यहाँ से आपको यहाँ से आपका कंज्यूमर नंबर मांगता है आपका जो भी मीटर का कंज्यूमर नंबर आता है तो यहाँ सब लोग इंटर करना है अपना कंज्यूमर नंबर को तो कंज्यूमर नंबर जैसे ही आप इंटर करते हैं तो अपना कंज्यूमर नंबर डालने के बाद यहाँ से सिर्फ आपको यहाँ से गेट कंज्यूमर डिटेल्स पर यहाँ से क्लिक करना है गेट कंज्यूमर डिटेल्स पर क्लिक करना तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप, आप देख सकते हैं इस तरह से आपको आता है यहाँ पर आपका नेम आ जाता है कंज्यूमर ने मीटर नंबर इस तरह से यहाँ पर एने इस तरह से बैलेंस एने इस तरह से दिखाता है तो यहाँ पर आपका कंज्यूमर नेम भी यहाँ पर देख सकते हैं आपका रहता है और यहाँ पर स्मार्ट मीटर रिचार्ज यहाँ पर देख सकते हैं रिचार्ज करने के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट मीटर रिचार्ज तो यहाँ से अपना अमाउंट को डालना जितना का आप रिचार्ज करना चाहते हैं आप स्मार्ट मीटर में तो यहाँ से अपना अमाउंट को डालना जैसे कि हम जैसे कि हम यहाँ से अपना अमाउंट को डाल दिए अमाउंट को डालने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है अमाउंट पर डालने के बाद यहाँ से आपको रि सिर्फ यहाँ से रिचार्ज पर क्लिक करना है यहाँ से रिचार्ज पर क्लिक करना है तो जैसे आप यहाँ से रिचार्ज पर क्लिक करते हैं तो आपको रिचार्ज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते इस तरह से आता है यहाँ पर आपका कंज्यूमर नेम आता है आपका नेम रहता है यहाँ पर कंज्यूमर आईडी रहता है और यहाँ पर अमाउंट पेएबल देख सकते हैं यहाँ पर जो भी हम अमाउंट डालें यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रहता है और यहाँ पर ईमेल आईडी डाल भी सकते हैं या फिर छोड़ देंगे उसके बाद यहाँ से मेक पेमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है तो जैसे आप मेक पेमेंट वाले विकल्प पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई विल अब यहाँ से ओके करना है ओके जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका लोडिंग लेता है तो यहाँ पर आपको इस तरह से आता है पे, पेमेंट करने के लिए जैसे कि हम अपना अमाउंट को डाल लिया उसके बाद रिचार्ज पर क्लिक किया तो यहाँ पर इस तरह से आता है अमाउंट करने का ऑप्शन तो यहाँ से आपको कई सारा ऑप्शन मिलता है अपना पेमेंट करने का नेट बैंकिंग नेट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और क्यू आर कोड का भी यू पी आई से और जैसे कि हम यहाँ से क्यू आर कोड से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से हम क्यू आर कोड पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप क्यू आर कोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आता है इसके बाद यहाँ से सिलेक्ट क्यू आर कोड पर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ सेलेक्ट क्यू आर कोड पर क्लिक करते हैं यहाँ से भूमि भी आगे सेलेक्ट कर लेना उसके बाद यहाँ से मेक पेमेंट फॉर यहाँ पर क्लिक करना है मेक पेमेंट पर तो जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका क्यू कोड जो है इस तरह से आपका शो करता है यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्यू कोड जो है इस तरह से आपको शो से आपको करेगा तो फ़ोनपे या पे से या जो भी से होगा स्कैन करके अपना पेमेंट को कर देना है पेमेंट को करने के बाद आपका इस रिसिप्ट इस प्रकार से निकल कर आता है जैसे ही आपका स्मार्ट मीटर में रिचार्ज होता है तो तुरंत आपका घर में बिजली चला जाएगा जैसे ही आप तुरंत स्मार्ट मीटर में रिचार्ज होता है तो तुरंत आपका घर में बिजली चला जाएगा तो ये आपको जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद